स्टेपनी नहीं दिख रहा ना भाई, अभी बताया था स्टेपनी के लिए। देखो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, ये सेंसर और जो हमारा टायर प्रेशर बताता है, ये सेंसर जो है टायर प्रेशर बताता है। पूरा हरियाली ही हरियाली। और भाई इस ठंड के मौसम ये देखिए फसल से जा रहे हैं ना, उस यानी कि जो पानी होता है ना वो यहाँ पे है। और ये छोटा सा घर देख रहे हैं ना भाई, यहाँ से बोरिंग होती है अपना खेतों में पानी वानी डालने के लिए। और यहाँ पे देखिए बोरिंग के लिए यहाँ पे लगाया जाता है अच्छा सा जगह। और अभी ये देखो हम आ गए हैं भाई ईटा ईंट जहाँ बनते हैं, ईंट की भट्टी पे। और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि एक काम से आए थे खेत की तरफ और अब हम घर जा रहे हैं। देखिए आम के पेड़, और मैं आपको दिखाता हूँ ईंट की भट्टी में काम कैसे होते हैं वो भी। ये देखिए यहाँ ईंट सूख रहा है और उधर बनाया जा रहा है, वो मिट्टी है पिन्नी में। हाँ वो देखिए। अब देखें ईंट बनने का प्रोसेस क्या है। वहाँ पे तो गीली मिट्टी से करके, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको, ये देखें ये सारे गीली मिट्टी है, वो पिन्नी से ढका हुआ है ना, वो मिट्टी है गीला, ज़्यादा गीला भी नॉर्मल गीला है। फिर उसको एक शेप से देते हैं और यहाँ पे ना पहले सूखने देते हैं धूप में, जो भी है 1 महीना 10 दिन 15 दिन ऐसे करके सूखने देते हैं। और उसके बाद ये पीछे जो बड़ी भट्टी दिख रही है, चिमनी इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसके अंदर साइड में चारों तरफ ईंटे को सही से एडजस्ट करके और इसमें फिर पकाया जाता है अच्छा से। और फिर जा करके साइडों में आप देख रहे हैं ना, ये फिर इस तरीके से ईंट जो है वो तैयार होता है। समथिंग 1 से 1.5 महीना लगता है एक बार पूरा, और निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।